नेपाल और भारत के बीच में पिछले कुछ दिनों से तलखी देखी जा रही है। वजह है केपी शर्मा ओली सरकार। जी हाँ, विवाद की असली जड़ कैलाश मानसरोवर के लिए लिपुलेख से निकली सड़क नहीं है और न ही इसके बाद नेपाल का नया नक्शा जारी करना है। इसकी असल वजह है चीन के करीबी माने जाने वाले केपी शर्मा ओली, जो फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, और नेपाल के लोग ओली की सरकार को सैनिटाइज करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये किसी से छिपा इसलिए नहीं है क्योंकि राजधानी काठमांडू समेत देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ प्रदर्शनों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। कोरोना संक्रमण से निपटने में नाकामी, गरीबों की मदद करने में सरकार की असफलता और भ्रष्टाचार को लेकर नेपाल की जनता लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर दिखाई दे रही है। इसी बीच में नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद सिर्फ इतना भर है कि उसके सहारे ओली अपनी कुर्सी को बचा लेना चाह रहे हैं, जबकि वो इसमें सफल होते दिखाई नहीं दे रहे। नेपाल के मीडिया संगठन जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उनसे समझा जा सकता है कि केपी शर्मा ओली की सरकार इन दिनों अपने ही घर में घिरी हुई है। उन्होंने चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए उसकी कब्जा करने वाली नीतियों के तहत भारत की जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की है। नए नक्शे में उसे शामिल भी कर लिया है, लेकिन असल में वो भारत की इन सीमाओं को भारत से नहीं छीन सकते। ये बात अच्छी तरह ओली भी जानते हैं। लोगों को ओली के सत्ता में बैठने के बाद से ही वो रास नहीं आ रहे हैं और लोग ओली की सरकार को जड़ से उखाड़ देना चाह रहे हैं, लेकिन ओली भारत को खुद के बचाव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। केपी शर्मा ओली की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कोरोना के खिलाफ जंग में भी ओली की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस सरकार से कोरोना महामारी पर खर्च किए गए 10 अरब डॉलर का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस सांसद गगन थापा ने ओली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार ने सिर्फ 5 पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट मशीन और 25,000 किट्स खरीदे और कह दिया कि 10 अरब डॉलर खर्च हो गए। आपको बता दें कि अन्य देशों के मुकाबले नेपाल में भले ही कोरोना देर से पहुंचा है, लेकिन नेपाल में कोरोना के अब तक 5,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इससे लड़ते हुए 16 लोगों की जान भी जा चुकी है। नेपाल की सरकार रैपिड टेस्ट पर जोर दे रही है, जबकि नेपाल के नागरिक PCR टेस्ट की मांग कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन फिलहाल नेपाल में जमकर निवेश कर रहा है और भारत पर हमलावर तो है ही, तो बस इसी सब के सहारे ओली अपनी सत्ता बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन नेपाल की जनता को ओली की सभी चालबाजियां समझ आ रही हैं। राष्ट्रवादी भावना के जरिए नेपाल की सरकार अपनी असफलताओं पर पर्दा डालना चाहती है।